हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूल पंप को या फिर जो अंदर उसका जो फ्यूल गेज रहता है उसको मल्टीमीटर के जरिए कैसे चेक करते हैं। अभी दोस्तों हमने हमारे पास है चेवरोलेट की स्पार्क गाड़ी है, उसका जो गेज है वो चेक करना है। सबसे पहले तो दोस्तों हम उसका वायरिंग और ये उसका जो डिजिटल मीटर रहता है वो चेक करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि यदि फ्यूल पे गेज में दिक्कत है या वायरिंग में है या मीटर में। अभी दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये टेस्टिंग लैंप है। टेस्टिंग लैंप के जरिए हम चेक करेंगे इसका वायरिंग और मीटर। तो अभी आपको फ्यूल गेज का जो कलर कोड रहता है वायर का, उसको मैच करके यहाँ हमने पिन लगाई है। आपको देख लेना है पहले उसका पिन का कौन सा कलर कोड रहता है, उसके हिसाब से दोस्तों हमने उसका मल्टीमीटर का दो वायर इसमें लगाया है। और दोस्तों अभी हम इसका इग्निशन ऑन करेंगे। इग्निशन ऑन करने पे दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो फ्यूल का, देख सकते हैं इसका जो सुई है वो पूरा फुल के ऊपर हो गया। अभी बंद किया, एक बार और चेक करते हैं। अब देख सकते हैं इसका मीटर भी बिल्कुल सही है और उसका वायरिंग भी प्रॉपर काम कर रहा है। तो दोस्तों टेस्टिंग लैंप के जरिए से हम ये चेक कर दिया है। अभी दोस्तों हम मल्टीमीटर से इसका जो है वो फ्यूल गैस चेक करेंगे। अभी दोस्तों मल्टीमीटर लेके आया हूँ मैं, और आप देख सकते हो अभी मैंने 2000 या 200 ओम पे आप रख सकते हैं इसको। अभी 2000 पे मैंने सेट किया है, और इसका दो वायर है वो अंदर फ्यूल गेज का जो वायर रहता है उसके साथ रखना है। पहले दोस्तों आप कलर कोड एक बार देख लेना। अभी डायरेक्ट हम उसका ऊपर से सॉकेट है उसमें ही लगाएंगे, बाकी आप डायरेक्ट फ्यूल गेज के ऊपर जो उसका जो वायर रहता है उस पर भी डायरेक्ट पिन लगा सकते हैं। अभी वहाँ भी हमने चेक कर लिया है, अभी इसके डायरेक्ट ऊपर के सॉकेट में ही चेक करेंगे। अभी दोस्तों दो पिन है, उसको दोनों को लगाना है उसका फ्यूल गेज का जो वायर रहता है उसमें। अभी आप देख सकते हैं इसमें कुछ रेजिस्टेंस दिखाएगा आपको। दो पिन रख के आपको गेज को दोस्तों ऊपर नीचे करना है। अब देख सकते हैं इसमें 332 तक रीडिंग आ रहा है। अभी मैं गेज को ऊपर करता हूँ तो ये उसका रेजिस्टेंस है वो कम होगा। अब देख सकते हैं पूरा 35 तक आ गया है। अब नीचे करने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब दोस्तों एक गेज प्रॉपर काम कर रहा है, चालू है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो कम ज़्यादा हो रहा है। तो दोस्तों ऐसे हम मल्टीमीटर के जरिए आसानी से इसका फ्यूल गेज चेक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे भी ऊपर जो दो पिन है वहाँ से चेक कर सकते हैं, या फिर नीचे का सॉकेट खोल के भी आप देख सकते हैं वहाँ से भी चेक कर दे। चलिए, थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए।